नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपकी स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको तेलापिया फिश फार्मिंग के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे किसान भाई इस मछली का फार्मिंग करना चाहते हैं और कुछ किसान भाई करते भी है और कुछ करने के बाद ये भी बताते हैं उन्हें नुकसान हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है और इस मछली को फार्मिंग करने का तरीका क्या है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको तेलापिया फिश फार्मिंग करने के लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों तेलापिया सबसे अच्छा होता है मछली पालन में, क्योंकि ये मछलियाँ बहुत ही कम मोर्टालिटी में आती है, किसी भी एनवायरनमेंट पे ये सेट हो जाती है। ये मछली को फार्मिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फिश फीडिंग का ज़रूरत नहीं होता है, अलग अलग तरह का फिश फीडिंग का जब भी ज़रूरत नहीं होता है और इसमें बीमारी ना आने का संभावना 98% तक रहता है, जिस कारण इस मछली को फार्मिंग करना काफ़ी आसान है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं उनके नुकसान हो चुका है। तो जैसे कि आप जानते हैं तेलापिया जो मछलियाँ हैं ये लगभग खाना बदोश होती है, आप जिस तरह का खाना इस मछली को देंगे उसी तरह का फिश फीडिंग ये कर लेती है। लेकिन इसके साथ दिक्कत है, ये इसको जितना खिलाया जाए वो इतना ही खाती रहती है। तो अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, इस मछली का खाने का जो टेंडेंसी है उसको देख के बहुत ज़्यादा फिश फीड करा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने से आपको इसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जब भी मछली का पालन करें आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, इसका एडवांस हिसाब आपको लगाना आना चाहिए। इस मछली में कितना खर्चा हो सकता है, कितना का फिश फीडिंग लग सकता है और सेलिंग कितना आएगा और सेलिंग के बाद हमें प्रॉफिट कितना मिल सकता है, ये सारा चीज़ बिना जाने कुछ भी आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप मछली पालन में भी इसी चीज़ को इस्तेमाल करें और तेलापिया का फार्मिंग करने के लिए भी इस चीज़ को आपको जानना होगा और इस हिसाब को निकालने के बाद ही इस मछली को फार्मिंग करना चाहिए, नहीं तो आपको इसमें भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें इस हिसाब को निकालने का पूरा तरीका मैंने बताया। आप चाहें तो इस वीडियो को देख के हिसाब निकाल सकते हैं, इस चीज़ को सीख सकते हैं। आप तेलापिया फार्मिंग करें या IMC फार्मिंग करें, पंगासियस फार्मिंग करें, जो भी आप फार्मिंग करें इस हिसाब को निकालने के बाद ही इसको स्टार्ट करें। तो इस वीडियो को देख के आप इसको सीख सकते हैं। फिर भी तेलापिया के लिए इस वीडियो में मैं एक एवरेज हिसाब आपको दिखा दूंगा, कितना सेलिंग हो सकता है, कितना खर्चा आ सकता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों इस मछली का फार्मिंग करने के लिए सबसे पहला जरूरी जो चीज़ आता है पॉन्ड सिलेक्शन। बहुत सारे किसान भाई गलतियाँ कर देते हैं, वो पॉन्ड सिलेक्शन में गलती करते हैं, वो बहुत बड़ा साइज का पॉन्ड सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह का पॉन्ड सिलेक्ट करते हैं जिसमें इस मछली को हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत हो। आपको बता दूँ इस मछली को हार्वेस्टिंग करना नेट से काफ़ी नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि ये मछलियाँ बहुत आसानी से नेट में उड़ने वाली मछलियों से नहीं है। इसीलिए आप जब भी पॉन्ड सिलेक्शन करें इस तरह का पॉन्ड सिलेक्शन करें जिसमें से इस मछली को पॉन को सुखा के हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपका पॉन का जो बैलेंस है वो जिंदगी भर के लिए खराब हो सकता है। दोस्तों किस तरह से आपका पॉन का बैलेंस खराब हो सकता है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ आता है पॉन सिलेक्शन के बाद पॉन प्रिपेयर, आपको अच्छे से एक पॉन तैयार करना होगा जिसमें इस मछली को छोड़ने के बाद इसमें ग्रोथ आए। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बना रखा हूँ पॉन प्रिपरेशन के बारे में, तो आप वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो को रिकमेंड करता हूँ, इस वीडियो को देख के आप पॉन तैयार कर लें तेलापिया मछली फार्मिंग करने के लिए। तो दोस्तों पॉन प्रिपरेशन हो जाने के बाद आपको छोड़ना है तेलापिया। आप किस तरह का तेलापिया आपका पॉन में छोड़ेंगे? दोस्तों तेलापिया का बहुत सारे प्रजातियाँ हमें देखने को मिलता है, तो आप जिस मछली को छोड़ेंगे वो है हाइब्रिड तेलापिया, यानी जिसे हम लोग मोनोसेक्स तेलापिया के नाम से जानते हैं। इस तरह का मछली को आपको स्टॉकिंग करना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था मोनोसेक्स तेलापिया या हाइब्रिड तेलापिया जो भी आप फार्मिंग करते हैं उससे आपका पॉन खराब हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं मोनोसेक्स तेलापिया लगभग 6 महीने तक ब्रीडिंग नहीं करती है। असल में होता है कि ये मोनोसेक्स में इस तरह का एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें 95% तक मेल हो जाता है और 5% जो मछलियाँ रहती है वो फीमेल रहती है। इसका भी एक ब्रीडिंग पीरियड है, जैसे कि 4 से 6 महीने के अंदर ये मछलियाँ ब्रीडिंग कर देती है। तो जो आपका पॉन में 5% मछलियाँ फीमेल रह गई है वो आपका पॉन में बच्चा दे सकता है। इसीलिए इस मछली का अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 4 मंथ।
इसी बीच इस मछली को हार्वेस्टिंग करके मार्केट में सेल कर देना होगा। जैसे कि मैंने बताया, ये आपका पॉन्ड को जिंदगी भर के लिए खराब बना सकती है। अगर आप बड़ा साइज का फिश पॉन्ड सिलेक्ट करते हैं जिसमें से इस मछली को हार्वेस्टिंग करके आप सेलिंग नहीं कर पाते हैं, उस दौरान 5% जो मछलियाँ रहेगी ये आपका पॉन्ड को बर्बाद करके छोड़ देगी। आपका पॉन्ड में तेलापिया का बच्चा से भर जाएगा, वो जिंदगी भर में खत्म नहीं होने वाला है। ये बहुत ही दिक्कत भरी काम है, इसीलिए पॉन्ड सिलेक्शन तेलापिया फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई आपको बोले आप जो मछलियाँ खरीद रहे हैं वो 100% मोनोसेक्स है, वो भी झूठ है। असल में 95% तक हो पाता है, इसे 95 से 98% तक हो सकता है, इसे 100% कभी नहीं होता है। अगर इस तरह का कोई बात बोले तो आप सीधा उनसे बोल देना आपका जो आप जो मुझे मछली दे रहे हैं ये इतना परसेंट होगा। दोस्तों इसका सीक्रेट भी मैंने आपको बता दिया, इसका इसमें कितना परसेंट जो मोनोसेक्स होता है ये भी आपको जानना ज़रूरी था तो मैंने बता दिया। तो दोस्तों अभी चलते हैं इसको स्टॉकिंग के बारे में जानने के लिए। दोस्तों तेलापिया मछली का फार्मिंग करने के लिए दो तरह का इसको स्टॉकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप मोनोसेक्स छोटा साइज का खरीद सकते हैं, इसको आप छोटा एक फिश पॉन्ड में रख के 1 महीने तक फिश फीड करा सकते हैं। ये मछलियाँ जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जैसे कि 10 से 15 ग्राम के आसपास हो जाती है, तब उसी पॉन्ड से उठा के आप अपना जो कल्चर वाला पॉन्ड है उसमें भी डाल सकते हैं। अगर छोटा साइज का मछली आप ज़्यादा मात्रा में आपका पॉन्ड में नर्सिंग करना चाहते हैं, उस दौरान 1 एकड़ फिश पॉन्ड में लगभग 2 लाख बच्चे को आप स्टॉकिंग करके नर्सिंग कर सकते हैं। इससे आपको दो तरह का फायदा होगा। सबसे पहला, ये जो नर्सिंग करने के बाद मछलियाँ बड़ी हो जाएगी उसमें आपका ज़रूरत का हिसाब से मछलियाँ निकाल के आप कल्चर में डाल सकते हैं, बाकी मछली को बड़ा साइज के हिसाब से सेलिंग भी कर सकते हैं। तो दो तरह का आपका फ़ायदा हो सकता है। और एक फ़ायदा है, बड़ा साइज़ का मछली अगर आप खरीदते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाला है, लेकिन अगर छोटा साइज मछली को खरीद के आप नर्सिंग करके फिर आप अपना पॉन्ड में कल्चर करते हैं तो उस दौरान आपको काफ़ी कम खर्चे में इस फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का मछली का नर्सिंग करने का सुविधा नहीं है तो आप कुछ बड़ा साइज का मछलियाँ खरीद सकते हैं। इसके लिए आप हमेशा 10 से 15 ग्राम साइज का मछलियाँ खरीदें, इसके बाद इस मछली को स्टॉकिंग करें। 1 एकड़ फिश पॉन्ड के लिए लगभग आप 25,000 मछली को स्टॉकिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मात्रा में भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा होता है 25,000। 1 एकड़ फिश पॉन्ड के लिए 25,000 बच्चे को आप स्टॉकिंग कर सकते हैं। और इसको हार्वेस्टिंग करने का पीरियड आपको सिलेक्ट करना है 4 मंथ। इसी बीच इस मछली को आपको 10 पीस से लेके 8 पीस में किलो बनाना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इस मछली के फीडिंग के बारे में। ये मछलियाँ किसी तरह का भी खाना खा जाती है, आप जिस तरह का फिश फीड कराना चाहते हैं ये मछलियाँ उसी तरह का फिश फीड खा जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो हाथ से बना के भी इस मछली को फीडिंग करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ जानकारियाँ होना चाहिए फिश फीडिंग के बारे में। अगर नहीं है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा तेलापिया मछली के लिए एक फ़िश फीड बनाने का तरीका दिखाने के लिए। अगर पता है तो खुद ही बना सकते हैं, और ये भी आप नहीं बना सकते हैं तो किसी भी अच्छी कंपनी का फिश फीड भी करा सकते हैं। ये दोनों तरह का फिश फीड से आपका मछली में काफ़ी ग्रोथ हो जाएगा। इस मछली को फिश फीड कराने के लिए जिस तरह का प्रोटीन परसेंट लगता है, छोटे साइज का मछली के लिए लगभग 30 से लेकर 40% तक प्रोटीन लगता है, और ये मछली जब बड़ी होने लगती है तो उसमें 24 से लेकर 25% तक प्रोटीन का ज़रूरत होता है। तो इसी बीच इस मछली को आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फिश फीड प्रोटीन वाला फिश फीड का ज़रूरत नहीं होता है। बहुत सारे किसान भाई इस मछली को बहुत ज़्यादा प्रोटीन फिश फीड खिलाने लगते हैं जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन फिश फीड अगर आप खिलाते हैं उसमें काफ़ी खर्चा भी होता है, और मार्केट का हिसाब से इस मछली का रेट उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिससे बहुत हाई प्रोटीन और महंगा वाला फिश फीड कराने से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए मैं एक तरीका आपको दिखा देता हूँ जिससे आप खुद ही इस हिसाब को निकाल सकते हैं, आप जो तेलापिया फार्मिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा आ सकता है और कितना प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। ये चीज़ हर एक किसान भाई को जानना ज़रूरी है। अगर आप इसको जानते हैं तो आप डिसाइड कर पाएंगे आपको इस मछली को फार्मिंग करना चाहिए या नहीं, और जो भाई इस मछली को फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें कितना फीस फीड का ज़रूरत हो सकता है और कितना मात्रा में देना चाहिए ये भी वो जान सकते हैं, जिससे नुकसान से बच सकते हैं। बहुत सारे कॉमेंट्स, बहुत सारे इस तरह का मैसेज आता रहता है जिसमें बोला जाता है भाई मुझे तेलापिया फार्मिंग में नुकसान हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, तेलापिया फार्मिंग में कभी नहीं नुकसान होता है।
तेलापिया में लगभग मैक्सिमम टाइम ही प्रॉफिट होता है। रेट कितना भी ख़राब हो जाए तो भी प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे का ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप कोई किसान भाई अगर चाहे वो कम खर्चे में भी इस मछली को फार्मिंग करना कर सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं वो ज़्यादा थोड़ा खर्चा करके करते हैं, लेकिन बहुत कम समय में उस मछली को ग्रो में लाने के लिए करते हैं। अगर कोई चाहता है इस मछली को ज़्यादा समय लेके फार्मिंग करे, जैसे कि मैंने बताया ये 4 महीने का फार्मिंग होता है, अगर कोई चाहे जो थोड़ा और बढ़ा के करने के लिए, तो उस वो 5 से 5.5 महीना तक इस मछली को ले जा सकते हैं, क्योंकि ये मछलियाँ लगभग मोनोसेक्स होने के बाद 6 महीने तक टाइम रहता है, इसके बाद ये मछलियाँ अंडा छोड़ देती है। तो आप अगर इस मछली को फार्मिंग करना चाहते हैं 6 महीने में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फिश फीड देने का ज़रूरत नहीं है। उस दौरान आप बहुत कम फिश फीड से इस मछली को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा समय का ज़रूरत होगा। जो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं वो 1 साल में लगभग 3 बार इस मछली को फार्मिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब को निकालने के लिए हमें जानना होगा 1 किलो मछली बनाने के लिए हमें कितना किलो का फिश फीड का ज़रूरत होता है। तो मैं आपको बता दूँ, 1 किलो मछली बनाने के लिए हमें 1.5 किलो का फिश फीड का ज़रूरत होता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको तेलापिया 8 से 10 पीस में 1 किलो बनाना है, तो इसके लिए लगभग 1.5 किलो फिश फीड का ज़रूरत होगा। अगर इस हिसाब को आप और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा इस वीडियो द्वारा इसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी भी है। अगर हम 1 एकड़ पौंड में 25,000 मछली को छोड़ते हैं तो इसमें कितना खर्चा आ सकता है, इसको निकालते हैं। तो 25,000 मछली को हमें 10 पीस में किलो बनाना है, इसके लिए हम इसको डिवाइडेड करते हैं 10 से, तो हमें क्या मिलेगा, 2,500 किलो मछलियाँ। अगर इतना हमें मछली मिलता है तो इसका रेट भी हमें पता होना चाहिए। लगभग ये 100-110 रुपये के किलो के आसपास सेलिंग होता है, तो मैं इसको 100 रुपये किलो पकड़ लेता हूं, तो कितना आता है, तो इसको इंटू 100 से इंटू करता हूं, तो हमें आता है 250,000 का लगभग इसका सेलिंग होगा 4 मंथ में। और इसको अभी हम फिश फीड का हिसाब निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 किलो मछली बनाने के लिए लगभग 1.5 किलो फिश फीड का ज़रूरत होता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2,500 किलो जो मछली हमें मिली थी, 2,500 किलो इंटू दे देंगे हम इसको 1.5 किलो से, तो हमें मिल जाएगा 3,750 किलो फीड लगेगा। इसका प्राइस अगर मैं 50 रुपया किलो पकड़ता हूँ तो इंटू 50, तो इसका कीमत लगभग मुझे 1,87,500 का आ जाता है। इसके साथ हमें और कुछ खर्चा भी जोड़ लेता है, जैसे कि अदर खर्चा भी हो सकता है इसमें, और 5,000 अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इसमें हमें लगभग 1,92,500 का आ जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ मुझे और भी जोड़ना है सीड परचेसिंग, हमें तो बच्चा खरीदना होगा, तो मैं एक एक बच्चा 1 रुपया पीस अगर पकड़ लेता हूँ, अगर आप बड़ा साइज़ का मछली खरीदते हैं तो उसमें 1 रुपया लग सकता है, अगर इसमें छोटा बच्चा खरीदते हैं उसमें काफ़ी कम खर्चा में भी हो सकता है, फिर भी मैं 1 रुपया पीस जोड़ लेता हूँ, तो भी 25,000 बच्चा का कीमत लगभग इसके साथ और 25,000 को ऐड कर लेते हैं, तो इसमें टोटल आपको 2,17,500 का खर्चा आएगा। और जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें सेलिंग क्या होगा, दोस्तों इसमें सेलिंग हो रहा है लगभग 2,50,000 का, तो इससे 2,50,000 माइनस कर देते हैं तो भी मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2,50,000 इसको माइनस कर देते हैं, तो गाइस हमें देखिए यहाँ पे लगभग 32,500 का प्रॉफिट होगा। ये 1 एकड़ फिश पॉन्ड का हिसाब है। इसको अगर आप फिश फीड मेंटेन कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फिश फीडिंग करा सकते हैं, इसमें लगभग आपको 50,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। आप और 15-20,000 का बचत कर सकते हैं। और छोटा साइज़ का मछली अगर ख़रीदते हैं और इसको नर्सिंग करके आप फार्मिंग करते हैं तो उसमें और खर्चा बचा सकते हैं। तो इस तरह से इस तेलापिया का फार्मिंग बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ये हिसाब को आपको लगाना चाहिए, अगर इस हिसाब को नहीं लगा पाते हैं तो उस दौरान आपको नुकसान होने का खतरा रहता है। तो इस तरह से मैंने जो चीज़ था सब कुछ इस वीडियो में बता दिया, आप किस तरह से एक तेलापिया मछली को फार्मिंग कर सकते हैं और इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इसका खर्चा भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना जानकारी देना था तो मैंने दे दिया। ये जानकारी आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।